Hello everyone, this is Sir Pasha and we are back with more lectures on the concept of circular motion or motion in circle. Achha, this is a series of lectures. Isse pehle ke lectures mein we have studied about S equal R theta and the significance and how the equation can be used to analyze circular motion. Then we studied the concept of radian and how to define units in general for any physical quantity. उसके बाद हमने पढ़ा लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड सम बेसिक क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच वुड इवेंचुअली लीव अस टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑनवर्ड्स. तो बट इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, पहले कुछ माजी की यादों को ताज़ा करते हैं. याद करें बचपन के वो ज़माने जब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. क्या कॉन्सेप्ट? स्टेडी, कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म, इनका एक ही मतलब होता है. तो स्पीड यानी स्पीड यूनिफॉर्म है या स्टेडी है या कॉन्स्टेंट है, बट चेंजिंग वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है. याद करो बचपन में जब आप ओ लेवल्स में थे और एएस में तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम आपसे एक सवाल पूछते थे शुरू शुरू में कि बेटा बताओ क्या पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे और फिर भी उसमें एक्सेलरेशन आ जाए. तो आप सोच में पड़ जाते थे और फिर हम आपको बताते थे ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले. पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट हमने एएस में और ओ लेवल्स में भी कि भाई इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव एन एक्सेलरेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. वो कैसे? वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले भले स्पीड कॉन्स्टेंट हो. वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज कंप्राइज ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. एनी चेंज इन ईदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ विल चेंज द वेलोसिटी एंड हेंस एन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो एक्सेलरेशन चेंज ऑफ स्पीड से निकलती भी नहीं है बल्कि चेंज ऑफ वेलोसिटी से निकलती है. तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमें रिकॉल करने की जरूरत है बिकॉज सर्कुलर मोशन में ये बहुत ज्यादा रिइट्रेट हो रहा होगा. तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. Velocity is a vector quantity with both magnitude and direction. Any change in either speed or in either magnitude of speed or direction or both will produce a change in velocity and hence acceleration will be produced. तो ये concept बड़े मजे से circular motion पे apply होगा. कैसे? आइए देखते हैं. एक छोटा सा 2 रुपए का क्वेश्चन कर लेते हैं. वो लेवल से भी करते थे इस तरह के क्वेश्चंस एएस में भी ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए. अ टॉय ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 0.2 मीटर्स पर सेकेंड अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक. ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑपोजिट टू वन अनदर ऑन द ट्रैक. तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. एक ट्रेन मूव कर रहा है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है. कहते हैं डिटरमिन द चेंज इन स्पीड ऑफ द ट्रेन एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी. बाई चेंज इन स्पीड तो जीरो है, चेंज इन स्पीड जीरो है. क्यों? क्योंकि यहां पे भी स्पीड 0.2, यहां पे भी 0.2, 0.2 माइनस 0.2 ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आया. मगर जब बात हो चेंज इन वेलोसिटी की तो आंखें फट जानी चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अब हो जाना है अलर्ट. ये वाली जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड है और ये वेलोसिटी अपवर्ड है. जो डाउनवर्ड है चेंज तो वैसे ही निकालेंगे v माइनस यू से, लेकिन 0.2 लेट से डाउनवर्ड है तो मैं इसको अगर नेगेटिव ले रहा हूं तो 0.2 बी पर मुझे लेना पड़ेगा पॉजिटिव बिकॉज दैट इज अपवर्ड. तो प्लस 0.2 और माइनस 0.2 के बीच डिफरेंस 0.4 का है. याद रखिएगा माइनस 0.2 और प्लस 0.2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.4 का. तो 0.2 माइनस ऑफ माइनस 0.2 मैथमेटिकली आप देख सकते हैं दैट्स 0.4 मीटर्स पर सेकेंड. ये क्वेश्चन आपने एएस में तो उस तरह के बहुत किए होंगे जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला करते थे इन ऑर्डर टू गेट द अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट कोलाइड करके वापस आ रहा था. तो आई मीन इट्स नॉट समथिंग विच यू हैवंट स्टडीड, बट इसको रिकॉल कराना बड़ा इंपॉर्टेंट था एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन इज कंसिडर्ड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रियल ऑब्जेक्टिव. फॉर एन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी इंस्टेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत
इम्पॉर्टेंट है ये कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग द मोशन इसकी दिशा क्या है, वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी वी है, तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की जो, भले स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर लम्हे हर नए पॉइंट पर डिफरेंट है, नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी अगर यूं है तो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, कहीं पे अपवर्ड है, कहीं पे डाउनवर्ड है, कहीं पे किसी एंगल पे, कहीं पे किसी एंगल पे। तो द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एज फार एज द डायरेक्शन इज कंसर्न, भले स्पीड कांस्टेंट है। लेट्स से ये इसका रेडियस है और मैंने तीन पॉइंट्स मार्क कर लिए ए बी और सी। तो द वेलोसिटी वी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन एज इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, फेयर इनफ, वी जस्ट डिस्कस। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा यानी कि उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। द एरोज आर स्ट्रेट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मेक सेंस, जो कि हर पॉइंट पे हमने टेंजेंट के तौर पे बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो दे आर ड्रॉन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, मेक सेंस। अब अगली बात देखें, मैंने ग्रीन पेन से लिखा है विच इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट। द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, भले कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 20 meters per second, 30 meters per second, लेकिन दिशा बदल रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड हैंस द वेलोसिटी चेंजेस। तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुसलसल चेंज होगी। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ना सर्कुलर मोशन में, जिसकी वजह सिर्फ दिशा का बदलना है, सिम्ट का बदलना है, यानी डायरेक्शन का बदलना है, इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस एक्सेलरेशन को फिजिक्स में प्यार से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि थ्रू आउट द मोशन सर्किल के सेंटर की तरफ एक्ट करती है। तो ये अगेन वही सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी रेडियस, ठीक है। तो ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कहां एक्ट करेगी, ये हमेशा एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इस पे बात करेंगे कि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ क्यों एक्ट करती है और इसके पीछे और फर्दर क्या कहानी है, बट ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वो जब बाद में पढ़ेंगे ना कि फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर जाती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है। बट अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो इस एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं विद द इक्वेशन ए सी इक्वल वी स्क्वेयर ओवर आर। आप मुझे सिर्फ दो बातें बता दें, एक ये कि आपका ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की पे मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है। आप बस मुझे ये दो चीज़ें बता दें इस मस्त ज़बरदस्त इक्वेशन में, मैं स्पीड और रेडियस की वैल्यू पुट करूंगा और गर्मा गर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तैयार है, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ देयर वुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ये वी स्क्वायर ओवर आर अचानक से आया कैसे, हाउ डू यू नो कि वी स्क्वायर ओवर आर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसकी डेरिवेशन क्या है। तो अर्ज ये करना है, बताना ये है कि ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन हमारे सिलेबस 9702 का पार्ट नहीं है और डेरिवेशन थोड़ी लंबी है, कोई एक डेढ़ पेज लग जाते हैं उसको तमीज से समझाने में, तो अभी मैं उसको इस सीरीज ऑफ लेक्चर में ऐड नहीं करूँगा। कभी फारिग हुआ तो इंशाल्लाह उसकी डेरिवेशन वैसी आपसे नॉलेज शेयर करने के लिए बता दूंगा। वैसे अक्सर यूनिवर्सिटी टेस्ट, लोकल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसकी डेरिवेशन पढ़ाते हैं, जो लोकल बोर्ड्स हैं उसमें यूजली इसको पढ़ाया जाता है। बट ए लेवल सिलेबस में ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिकॉल द इक्वेशन। रिकॉल का मतलब उसको डिराइव नहीं करना, बस उसे याद होना चाहिए कि ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वेयर ओवर आर, वेयर वी इज द स्पीड एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब नाउ इट इज वर्थ नोटिसिंग द फैक्ट दैट आर हेयर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। किसका रेडियस? सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब इस पे थोड़ा मैं एम्फेसाइज करूंगा कि आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड है, आर का मतलब सर्कुलर पाथ का ही रेडियस होगा और किसका रेडियस होगा।
अभी तो ये अंडरस्टूड है, आगे जाके चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हो जाएंगी। जब हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे देयर इज अ सन, उस सन का रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर देयर इज एन अर्थ, उस अर्थ का रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर ये क्यूट सा अर्थ इस गरम गरम सन के अराउंड घूम रहा होगा, और वो जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा उसका रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जब एक ही क्वेश्चन में तीन तीन रेडियस दिए हुए होंगे तो, और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तो इक्वेशन तो आपको याद होगी वी स्क्वायर ओवर आर, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर का मतलब कौन सा रेडियस है, मुझे तो तीन तीन रेडियसेस गिवन है। तो याद रखिएगा इस इक्वेशन में वी स्क्वायर ओवर आर में आर का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एट टाइम्स रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द स्टार भी इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में वो भी इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट इक्वेशंस में, बट सर्कुलर मोशन में ये जो वी स्क्वायर ओवर आर है, यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो वी इक्वल आर ओमेगा हम जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर मैं फर्दर इम्प्रूव करना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल वी की जगह आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और नीचे आर एज इट इज, ठीक है ना। इस वी की जगह मैंने लिख दिया आर ओमेगा, इस स्क्वायर की जगह स्क्वायर एज इट इज, और ये आर एज इट इज, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, इस स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपके सामने मैंने इसकी की भी डाल दी है, v का मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसकी स्पीड मीटर्स पर सेकेंड्स, r का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एंड ac इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट विल बी मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड्स। दोबारा बता दूं, ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट जी, तो आई होप कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, एंड नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और अब उसको थोड़ा डिटेल में देखना। उसका बेसिक इंट्रो मैंने पहले लेक्चर में ही दे दिया था, बट अब इट्स टाइम कि वी रियली डाइव इनटू द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बहुत लंबी डिस्कशन है और वो इस लेक्चर में नहीं हो पाएगी, ये लेक्चर यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लीज इन द कमेंट सेक्शन लेट अस नो इफ दीज लेक्चर्स आर हेल्पफुल टू यू, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जस्ट फील फ्री टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने क्या